फ्रेंड्स, जो आज मैं बता दूं आपको कि अर्चना ने जो आज आउटफिट पहना है ना, वो सच में बहुत बहुत सुंदर है। और उसमें अर्चना बहुत ही सुंदर लग रही है, और मेकअप इतना लाइट, बिल्कुल जैसे उसकी ड्रेस का कलर जैसे बिल्कुल लाइट है ना, ऐसे उसका मेकअप भी बिल्कुल नेचुरल लग रहा है बिल्कुल। और बहुत स्मार्ट लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और अर्चना आज किसी अवार्ड फंक्शन में आई थी जिसमें उनको अवार्ड दिया है। ये उनका सेकंड बिग बॉस से निकलने के बाद वो इनका सेकंड अवार्ड है। और साथ में वो श्रीजिता के साथ, उनकी मम्मी के साथ दिखाई दे रही है। उनकी श्रीजिता को भी आज बुलाया था अवार्ड के लिए। सो आज मुझे तो अर्चना बहुत बहुत स्मार्ट लग रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। एंड अर्चना श्रीजिता की मम्मी के साथ काफ़ी मस्ती मजाक करते हुए भी नज़र आ रही है, काफ़ी बातें वगैरह कर रही हैं। और वो बता रही हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रही हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो साड़ी में। और श्रीजिता की मम्मी भी बोल रही थी कि आप, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। और अर्चना ने ना अवार्ड ले लिया है, वो अवार्ड लेके फ़ोटोज़ वगैरह शूट करवा रही थी। और उसके थोड़ी देर बाद श्रीजिता आई है अपने अवार्ड रिसीव करने के लिए। श्रीजिता और अर्चना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, प्रिटी लग रही है। बट मुझे श्रीजिता से ज़्यादा अर्चना अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी सी लग रही है, बिल्कुल नेचुरल लग रही है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप किया है, लग ही नहीं रहा कि मतलब इतना मेकअप है, बिल्कुल लाइट। प्रियंका सबको ही फॉलो कर रही हूँ, दो तीन लोग हैं शायद मैंने उनको फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरे किन किन नंबर सेव है, प्रियंका का, सौंदर्य का, टीना का, श्रीजिता का, शिव का, साजिद जी का, निमृत का, गौरी का। प्रियंका से ज़्यादा बात होती है, मतलब प्रियंका से तो ऐसा होता है कि डेली बात होती है, मतलब ए वो, मतलब हम मस्ती करते हैं, क्या कर रही है बहन ना, मैंने कहा यार कुछ नहीं कर रही, बस थकी हुई हूँ, इस तरह से हम लोगों की बहुत फ़नी बातें होती हैं। तो प्रियंका से सबसे ज़्यादा बात होती है, फिर सौंदर्य से बात होती है, श्रीजिता से बात होती है, टीना से बात होती है, तो शिव से भी थोड़ी थोड़ी बात होती है। मैंने प्रियंका का नाम PCC से सेव किया है, और सौंदर्य का सौंदर्य से सेव किया हुआ है। नहीं नहीं, उनका अभी मैंने नहीं किया है, मतलब अभी किसी का सेव नहीं किया है। बट हाँ, मतलब बिग बॉस में किसी भी कंटेस्टेंट का मैंने ऐसा कोडवर्ड नाम नहीं रखा हुआ था। हाँ चलो मैं देखती हूँ, कॉल करके प्रियंका को देखती हूँ। पता नहीं वो फ्री होनी चाहिए, वो भी बेचारी लगी हुई है इंटरव्यू देने में, बट लेट्स सी। हाय, कैसी है भाई? बस घर ढूंढने में लगी हुई हूँ। यार मेरे लिए भी ढूंढ दे यार। अच्छा सुन, मुझे मिले दो घर, देखती हूँ मैं तेरे को वीडियो भेजती हूँ, ठीक है? भेज। और यार मेरे लिए भी देख दे यार, दोनों बहन ना घर ढूंढ रहे, बताओ मुंबई में घर नहीं मिल रहा भैया हमें। सीरियसली? ऑफ कोर्स यार, कहाँ भी कहीं देखने आई है, मैं तो देख रही थी। मैं भी बस आ जा रही हूँ देखने, ठीक है? ठीक है चल, देख बता। ठीक है बाबू, चल ओके बच्चा, बाय बाय। तो ये है हमारी दोस्ती, एक ही कॉल पे फ़ोन उठाते, वो भी मैं भी एक ही कॉल पे फ़ोन उठाती, तो ये एक दिल का दिल से कनेक्शन है। तो भैया हम बेघर हुए पड़े हैं मुंबई में, रोड पे आ गए हम। अब हमें घर नहीं मिल के दे रहा, अब क्या करें, इधर इंटरव्यू दें या घर देख के, समझ में नहीं आ रहा है हमारा तो कसम से बता रहे हैं, हमारा तो फजीता हुआ पड़ा है।